दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अड़ुआ। अप्रैल 1 जाए बढ़िला ईडी रिमांड अवधि। लिकर गेट किंगपिन को मिललानी कोर्ट रु आश्वस्ति। अदालत रे निजो पाई ओकिलाती करीबी आप मुख्य पाइले नि मुक्ति। दिल्ली मद दुर्नीति मामला रे ईडी द्वारा गिरफ होइतिबा दिल्ली मुख्यमंत्री को मिललानी आश्वस्ति। अरविंद केजरीवाल को रिमांड अवधि को अप्रैल 1 जाए वृद्धि करिछंती दिल्ली रो राउस एवेन्यू कोर्ट। 7 दिनर प्रथम पर्याय ईडी रिमांड शेष होबा परे आज केजरीवाल को अदालत रे हाजर कर जाइथिला। केजरीवाल निजो पाई निजो वकीलाती करथिले कौन पाई एवं काहे कि तांकु गिरफ करा जाइछि से नै प्रश्न करथिले। मद मामला को एक राजनीतिक षड्यंत्र बोली कोर्ट रे कहिले दिल्ली मुख्यमंत्री, किंतु किछि लाभ हलानी। सेपटे कोर्ट रे ईडी कहिछि रिमांड समय रे केजरीवाल को बिबृति रेकर्ड करा जाइथिला, किंतु से सहयोग करू नहंती, कौनसी सठिक उत्तर दे नहंती। केजरीवाल को मोबाइल तथ्य बाहर करा जाइछि एवं एहार विश्लेषण करा जाउछि बोली कहिछि ईडी। केजरीवाल आउ 4 दिन ईडी रिमांड रे रहिबाकु निर्देश देथिले कोर्ट। नहीं, जज साहब ने कहा कि आज तो ये रेलेवेंट नहीं है, पुलिस रिमांड की बात है। और अल्टीमेटली मिस्टर केजरीवाल ने कंसीड किया कि मैं तो कॉपरेट करने को तैयार हूं, आप जो चाहे मेरे को कस्टडी में रख सकते हैं, मुझे कोई इतराज नहीं है। पर हमने ये कहा कि ये बात तो ठीक है कि ये वॉलंटरी कहने को तैयार है कि कस्टडी में रखिए, पर जो ग्राउंड इन्होंने लिए हैं वो हम अपोज कर रहे हैं। इन ग्राउंड्स पर रिमांड नहीं होना चाहिए, हमने हालांकि कंसीड किया, उस ग्राउंड पर अब रिमांड देना चाहो तो दे दो। ईडी को तो तकलीफ होगी ना जब वो कहता है कि 50 करोड़ जिस अक्यूज ने दिए वो भी आप इन्वेस्टिगेट करो। कि ईडी की मंशा बिल्कुल क्लियर है, ईडी की मंशा ये है कि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी को क्रश किया जाए और अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम किया जाए। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, संजीव खन्ना जी की बेंच ने यह तय कर रखा है अपने मनीष सिसोदिया जी के बेल में जब ऑर्डर किया था कि 100 करोड़ रुपए की जो बात कही थी कही जा रही है वो 100 करोड़ रुपए अभी तक ईडी साबित नहीं कर पाई है। अन्यपटे मुख्यमंत्री पदरु केजरीवाल को इस्तीफा दावी को नहीं दिल्ली हाईकोर्ट रे सुनानी होई। हाईकोर्ट ए मामला रे हस्तक्षेप करने को मना कर या भीतर दिल्ली उपराज्यपाल बीके सक्सेना कही जेल भितर चलो ना दिल्ली सरकार, किंतु आप पुनी दोहराई केजरीवाल ही रहिबे मुख्यमंत्री। अन्यपटे नैतिकता दृष्टि केजरीवाल को इस्तीफा दावी करिछि बीजेपी। शरद पवार को भ्रष्टाचारी बताया था, लालू प्रसाद यादव को भ्रष्टाचारी बताया था, सोनिया गांधी को भ्रष्टाचारी बताया था, आज उन्हीं के साथ समझौता कर लिया। अगर आप में रत्ती भर नैतिकता बची है तो आप इस्तीफा इसलिए भी दीजिए, जो 1.5 करोड़ दिल्ली की जनता है उसकी जिम्मेदारी चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री की होती है, और जेल में रहकर आपको नियमों का पालन करना है। त्वरित आप कोई आदेश नहीं दे सकते हैं, आप कोई बैठक नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप जनता की सेवा कैसे करेंगे। मार्च 21 रे केजरीवाल को गिरफ्त करी थी ईडी। 22 तारीख रु 7 दिन जाए थिला प्रथम पर्याय रिमांड अवधि। अनेपटे जमीन पाई दिल्ली हाईकोर्ट रे केजरीवाल करिथिबा आवेदन उपरे होई नाही सुनाणी। ईडी रो गिरफ्तारी एवं रिमांड को बेआईन दर्शाई दिल्ली हाईकोर्ट रे होइथिबा मामला उपरे अप्रैल 3 तारीख रे हेबो सुनाणी। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। आईफोन ओ संगसाथी आपनको पिलाटीर पाठपडा ओ करियर को प्रभावित करूची कि आपण सेति पई विद्रुत कि तेबे आजि आसंतु आपण चाहुथिबा मनलाकी संपूर्ण आवासिक स्कूल। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।